आपको हिजाबुल ईमान शॉप में लेकर आई हूँ। ये गिफ्ट सेंटर भी है और ये आपको हमारे जेहलम शहर में बिल्कुल ही पास में दीना में मौजूद है ये शॉप। और इस शॉप में आते ही वैसे मुझे ऐसे फीलिंग आई जैसे मैं मक्का मुकर्रमा की किसी बड़ी अच्छी शॉप में आ गई हूँ। ये देखें यहाँ पर हर किस्म के अबायाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये आपके पास जो ये हमारी शॉप का सिग्नेचर अबाया है, कोरियन स्टफ में है, अफगान स्टाइल है ये। इसमें सारे कलर्स हैं, इसमें कलर्स आपकी दो मिलेंगे, एक ही कलर्स है और एक ही कलर है। अच्छा ये प्लेन में भी है और एम्ब्रॉयडरी में भी। हाँ जी, में आपके डिज़ाइन चाहिए, ये भी डिज़ाइनर अब आया है हमारा, इसमें एम्ब्रॉयडरी है बाकी प्लेन में है। एक इसमें रेड कलर है और एक ब्लैक कलर है, इसमें दो कलर है। ये हमारी शॉप का सिग्नेचर अबाया में आता है, इसमें एम्ब्रॉयडरी है, लेयर्स हैं, इसके बैक साइड पे लेयर्स हैं, बहुत प्यारे दिखते थे ये बैग पे। अच्छा वैसे आपके पास वैरायटी अच्छी है और ये फैंसी में आ जाते हैं कस्टमर जो ढूंढते हैं ना यहाँ आकर के, हमें एक ही किस्म में बहुत सारी चीज़ें मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस शॉप में ये भी है। एक फिर हमारा ये अबाया कुछ कस्टमर कहते हैं फ्लेयर में हो काफ़ी बड़ा फ्लेयर है, इसका काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है, साथ इसकी एम्ब्रॉयडरी है, फैंसी लुक भी आ रही है, तो साथ इसका फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए सही है प्राइस हमारी जो स्टार्ट होती है ना वो 990 से स्टार्ट होती है, अब 10,000 तक है। जिस तरह का बाया चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये फैंसी कुछ लोग शादी वगैरह में फैंसी अबाया पहनते हैं तो लिहाज से फैंसी में है। लेंगे ना उसको तो वो आपको फुल कवर कर लेगी, आपको अबाया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज़ ये साथ इसका स्टफ बहुत अच्छा है, ये इसके साथ अटैच है। ये देखें व्यूवर्स माशाल्लाह बहुत ही पीस काम है और हर तरह की वैरायटी यहाँ पर दस्तयाब है। ये देखें यहाँ ख़वातीन की कमज़ोरी ज्वेलरी भी मौजूद है हर तरह की माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी अच्छी रिंग्स हैं यहाँ पर। ये पे सिल्वर में है, ये इस पे सारा जरकन लगा हुआ है, ये चीज़। हाँ जी ये इटालियन चांदी में है, सिल्वर में। तो ये हमारी काफ़ी फेमस है और बहुत ज़्यादा कस्टमर पसंद करते हैं ये चीज़, इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास लेडीज़ वॉचेस वगैरह मिल जाएंगी आपको, ब्रेसलेट्स वगैरह। ये चीज़ चेक करें आप, इस पर सारा जरकन लगा हुआ है, इसका कलर भी फेक नहीं होगा। इसके अलावा बच्चियों के एक्सेसरीज वगैरह, पिन्ने हैंड बैग भी आपके पास, इसमें ये नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज है ये है या बड़े साइज भी? बड़े साइज में भी है वो आगे है। अच्छा। ये चीज़ सब चेक करिए, प्योर लेदर में है। इस तरह ये ज्वेलरी सेट है फिर सारे, ये लाइट्स
चारों तरफ इसका काम हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है इसकी नेट के ऊपर। हाँ जी, ये चीज़ इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है। अगर आपको चाहिए ना यूज़ के लिए, कुछ कस्टमर कुछ लेडीज वेयर करती हैं फंक्शन पे स्कार्फ, तो उसके लिए बेस्ट है ये। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Jabal Iman, Dina. I'd like to introduce you the Bakoor burner. It's burning the oud, the national wood. The same used in Haram, in the Masjid Nabawi. And we have lots of variety in it. All imported from UAE, Saudi Arabia, Dubai. It comes in electric and with the coal burner. It's a natural way of fragrance. So we do a lot of atars, pure, oil-free, chemical-free, alcohol-free. So this is the Sunnah way of applying. You can pray namaz, you can pray jama. This is in electric. Electric also. The metal for ether. Sriyad al-Dinah antar. Jahan pe dozna fulada kiya jati hai, wahan pe jo khushbu lagi hoti hai, similar goes to Sriyad al-Dinah. Riyad al-Jannah, Madina Manawara. Ghilaf Kaaba, Europe mein jamani ko jo ghilaf hota hai, usko jo ether lagi hoti hai. Same wo cheez, mashallah. Wo 100% authentic aur pure oil. मिलावट से पाक और अलहमदिल्ला खालिस सतरियात में। तो ये सारी वरायटी अलहमदिल्ला दुबई और सऊदीया की, कोई लोकल इसमें अलहमदिल्ला वो नहीं है, सब सऊदी ब्रांड्स। लतावा, हरमैन, अर्रसासी, अजमल बाय अर्रसासी, मेड इन दुबई, अर्रसासी ओरिजिनल, यस, ब्रांडेड परफ्यूम्स। What about the weight of this sword?
Is it quite heavy? Must be over 2 kilos. Two kilo. Also the sword, the axe. And can you tell about the prices of it? Real metal. Oh, it's a real metal. What about the prices, sir? Prices, what's the latest price? 78.90 for the original. And this one is... It's quite heavy. This one's even better quality, better metal, real wood, real leather. Oh, looks original. It does. And even, if, I think it is original. Original Jinnah cap. Beautiful. Guys, a lot of interesting stuff is here. If you are impressed with the Arthugul drama accessories, you can come buy, visit here. Prices are very nice, everything is original. You also do kids in wooden. Okay. It's a wooden sword for the kids. They can learn that how the era of Islamic, how they used to fight carrying the sword. Not the drums and guitars and like music stuff. Exactly. Zamzam water, the Mahabzi color. It contains pure ginger, garlic, lemon juice, apple vinegar. Mahabzi kalb, yani for the heart protection. For the heart protection, to lower the cholesterol. Lower the cholesterol. Yeah. For the joint pains. MashaAllah, and this is from Darussalam. So you can buy the stuff without any doubt, because the stuff from the Darussalam is always original. Ajwa paste. Including the stone, including the black seed, kalbanji. Zafran, yeah. Pure honey. If somebody has a problem for angina, you can take a little bit early in the morning and the problem will be solved. Your veins will be opened and the flow of the blood will become normal by using this ajwa paste. Inshallah. Because I am personally using it and I'm feeling it much better than before. MashaAllah. This is ajwa powder, the stone powder. Stone powder. Gutli powder. Yeah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that if somebody has any heart problem, they can take ajwa dates and here is the paste of it's in a powder format. Powder. Yes, you can take it with the water, with the milk, with tea, whatever. There's an authentic hadith. The ajwa is from Jannah, and ajwa. It contains a cure for poison and even magic. Subhanallah wa bihamdihi. So ajwa is from Jannah, guys. Guys, this is Mia Al Zamzam, and this is the same stuff which you usually buy. This is from the Mashru Al Khadim Al Harman Al Sharifain Lil Saqi Al Zamzam. This is what we purchase when we go for Umrah, and the same stuff is available. What is the price of this? I think it's 10 liter, yeah, 5 liter. This is 5 liter. 5 liter. How much, sir? 4,000. 4,000 for 5 liter pure Zamzam water. See, available here available here in Hijab al-Iman. Library, the authentic books in accordance with the Quran and Sahih Sunnah of the Prophet Muhammad. Subhanallah. Yeah. Viewers, all the books from the Darussalam are available here, which are printed at the Darussalam print. And I think the head office is in Riyadh and Lahore. That's right, Lahore. Riyadh, yeah. All the books are available. These are very authentic books, and these books are published by Darussalam. Yeah. The information in this book is authentic with Quran and Sunnah, sallallahu alaihi wasallam. One of the beautiful book, Tibbi Nabawi, the Islamic medicine. It's a beautiful paper, the graphics, and the authenticity. On every page, you will see the reference from Quran and Sahih Hadith. Viewers, this is one of the best ever book printed. You can see the quality of the book. It has a glossy paper, a shiny paper, and all the information is given with the authenticities, and all the references are mentioned here. You can see all the references from the Hadith Mubarak sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned this for like for all kind of diseases. So I think every house should have this kind of book, and first we should trust
about the Nabi sallallahu alaihi wasallam, and then we should go for the medicines. Look at this guys, lahm al dhab, and this is lahm al karki, lahm al asir al qanabir. So it's mentioned there, the title is in Arabic and the book is printed in Urdu. So easy to find. How much is the price of the book, sir? This if, book is reference for the for 1900. For 1900. And the head office in Al Riyadh. Yes. Madina Munawwara. Madina Munawwara. Al Khobar, Jeddah, Qasim. Yeah. And of course in Dina. Yeah, mashallah, mashallah. You can find the books of Sahih Bukhari, Sunan al Nasa'i, and Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Sahih al Bukhari. उनकी तमाम जल्द मौजूद हैं. और ये देखिए ख़वातीन के लिए सईदा खदीजा की ज़िंदगी और सुनहरे वाक़ियात माशाल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा. ये देखिए तमाम बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. टाइम निकालिए, इस्लामी किताबें पढ़िए, इस्लाम के साथ इस्लाम के करीब आइए, क्योंकि मरने के बाद हमारा सिर्फ़ और सिर्फ वास्ता फ़रिश्तों, अल्लाह सुब्हान तआला और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है. और जब तक हम लोग ये किताबें नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता चलेगा. वरना जो इस वक्त की तारीख चल रही है, जो इस वक्त का वक्त चल रहा है, बहुत ख़तरनाक है. ये ऐसा वक्त है, ऐसा फितरों का वक्त है कि लोगों के पास टाइम नहीं है इस्लाम की तारीख पढ़ने का, सुनने का. और बाकी हर चीज़ का वक्त है, शादियाँ, बिजनेस और मीटिंग्स और ये वो, लेकिन तमाम चीज़ों से वक्त निकालिए और इस्लाम की तरफ लौटिए. यही हमारी ओरिजिनल, यही नए हमारा कामयाबी का जरिया है. माशाल्लाह जी, माशाल्लाह. देखिए जिनके पास यही चीज़ें, जब आप मक्कतुल मुकर्रमा में जाएंगे उमरा करने के लिए, तो वहाँ पर शॉप पे आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको जेलम के करीब दीना शहर मेन जीटी रोड पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी. देखिए माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत नाम है जी, हिजाब अल ईमान. इनका नाम मुझे बहुत पसंद आया है. हिजाब अल ईमान का जो तकाजा है वो हिजाब ही है. और लोग कहते हैं कि खाना काबा के ऊपर गुलाब क्यों है, अगर कोई पूछता है तो हर कीमती चीज़, हर वो ऐसी चीज़ जो बेनतहा कीमती होती है उसको गुलाब में रखा जाता है. घर में कुरान पाक को गुलाब में रखा जाता है. इसीलिए हुक्म है कि औरतें भी अपने आप को हिजाब में रखें, इसलिए कि वो बहुत कीमती है. और ये इसका हुक्म कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी है. जज़ाकुमुल्लाह खैर. आइए आपको और दिखाते हैं जी, ये एक्सेल बयान कुरान करीम. ये देखिए जी, कुरान करीम है और ये अहसन अल बयान है. और ये तर्जमे के साथ भी मौजूद है, उर्दू के साथ भी. बहुत खूबसूरत किताब है. हमें याद है कि जब हम जद्दा में थे तो लोग हमसे ये मंगवाया करते थे, स्पेशली बोल के मंगवाया करते थे कि ये हमें चाहिए. ये देखिए जी व्यूअर्स, ये देखिए लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा अरबी सीखने के लिए. क्योंकि कुरान हम अरबी में पढ़ तो लेते हैं, उसका हमें स्वाब भी मिल जाता है, लेकिन उसका जो हासिल है कि अल्लाह सुबहाना ताला हमसे कलाम कर कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, लफ्ज़ों के मतलब क्या है, लफ्जी तर्जमा के साथ. डॉक्टर फरद हाशमी, बहुत जाना माना नाम माशाल्लाह. एन खुदा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जी. ये देखिए अला खुदा, इसका मतलब हदायत पर. उलाइका, यही लोग हैं. मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से. देखिए एक एक लफ्ज़ व तर्जमा के साथ है. सीखिए और सिखाइए. तुम में से हदीस मुबारक में है कि तुम में से वो लोग सबसे बेहतर हैं जो कुरान को सीखिए और सिखाएं. व्यूवर्स, कुरान लीजिए अपनी कामयाबी के लिए, किसी और पे आपने एहसान नहीं करना. अपनी कामयाबी के लिए कुरान पाक लीजिए, इसको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कीजिए. और दीन के जितना करीब आएंगे उतना ही आप फलाह पाएंगे, उतना ही सुकून पाएंगे. यकीन कीजिए, बहुत म्यूज़िक सुन लिए, बहुत फिल्में देख ली, लेकिन जो सुकून इन किताबों में है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जी. वालदैन माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह. ये देखिए जी, बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत किताबें. देखें जी, बाग नबूवत का फूल, सखावत का दरिया, मती आज़म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत का मतलाशी, कितने खूबसूरत खूबसूरत टॉपिक्स हैं. और ये देखिए, आप ये बच्चों को बुक्स दीजिए पढ़ने के लिए. यकीन कीजिए कि अच्छे वालदैन अच्छी औलाद की तरबियत करते हैं, और वही औलाद जब वो वालदैन बनती है तो वो भी अच्छी तरबियत करेगी अपनी औलाद की. और यही इसी तरीके से एक कामयाब माशरा जो है वो कायम होता है. इसलिए जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है बच्चों को, जैसे आप बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर दीजिए. ये किताबें उनको प्रोवाइड कीजिए, किताब के साथ रिश्ता कायम करें. अल्लाह सुबहाना ताला ने भी किताब ही नाजिल की है. अल्लाह सुबहाना ताला ने, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि किताब भी एक ज़रिया ऐसा है कि जिसके ज़रिए जो है वो दिल पे बात असर करती है, पढ़ने से नज़र भी तेज़ होती है, सुबहानल्लाह. और ये देखिए जनाब, इनके पास और भी किताबों का सिलसिला है, सिलसिला कसस अल कुरान. ये देखिए जी, हम लोग हमेशा मौलवियों पे, अलामा पे डिपेंड करते हैं जी कि कुरान के अंदर अल्लाह सुबहानल्लाह ने क्या फरमाया है, क्यों हम सुने.
ये देखिए कससल कुरान, कुरान के अंदर जो नबियों के किस्से बयान किए गए हैं और मुख्तलिफ जो है वो कौमों के किस्से बयान किए गए हैं, उनको बच्चों के लिए बड़े खूबसूरती के साथ प्रिंट किया गया है और इश्तियाक अहमद साहब की है। और ये भी जनाब इसके भी देखिए प्रिंटेड दारुस्सलाम से है, बहुत ऑथेंटिक है। ये देखिए कुर्बानी, अनोखे मेहमान, ये बच्चों को पढ़ाइए उमरू की बजाय वो जो तलिसम और जादू और ये जिन और भूत और उसकी बजाय बच्चों को ये अगर किताबें पढ़ाएं तो दीन से भी आगाही होगी और उनको जो अल्लाह के करीब मजीद जाने का पता चलेगा कि अल्लाह सुबहान तआला कैसे किसी तरीक़ों से अपने नबियों के साथ मुखातिब होते थे, कैसे कैसे तरीके से। बहुत अच्छी बुक्स हैं जी माशाल्लाह, आप आइए यहाँ से हासिल कीजिए, प्राइस भी इनकी बहुत ख़ास है जी। ये भी देखिए दौरे नबूवत के बच्चे, हाजमे ख़ास, वो बच्चे जो दौरे नबूवत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे, कैसे कैसे उनके वाक़ियात थे। ये भी देखिए जनाब ये मुसलमानों के बच्चों के सुबह शाम के जो है वो अस्कार, उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी किताबें हैं। मैं वालदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ बच्चों को अच्छा खिलाते पिलाते हैं और हर तरह के से उनसे सैर करवाते हैं, अगर आप इन किताबों की तरफ भी ले के आएँ, दीन की तरफ ले के आएँ, यही फलाह है। जब आप कब्र में होंगे सब ने होना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, क्योंकि इससे तो किसी को इनकार नहीं है, तो उसके बाद यही किताबें, यही इलम और यही जो सच्चाई है सामने आ जाएगी, तो फिर पता चलेगा कि हमने अपना वक्त कैसे बर्बाद किया। काश के अल्लाह सुबहान तआला में फिर वापस ले जाए, लेकिन फिर मौका नहीं मिलेगा। व्यूअर्स, वो खजूर जिसके मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजवा खजूर, जिनको दिल की तकलीफ है ये लीजिए, और ये दरख्त जो था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से लगा हुआ है, ये देखिए जिनके पास ओरिजिनल अजवा बिल्कुल बहुत नीट एंड क्लीन साफ बिल्कुल डस्ट प्रूफ इन्वायरमेंट में इन्होंने स्पेशल रखा हुआ है, सर्दियों के दिन है फिर भी इन्होंने ये देखिए जी फ्रीज़र में रखा हुआ है इसको, अजवा है और मखदूम, ये देखिए जी बहुत ताकत वाली जो कि 3-4 खजूरों के बराबर एक खजूर होती है। ये देखिए व्यूअर इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, जबकि साफ सुथरी है। ये देखिए व्यूअर, ये देखिए इस कलर साफ, इसकी शाइनी लुक तो देखिए जैसे माशाल्लाह पॉलिश की गई हो, सुभान अल्लाह। ये देखिए जी जन्नत के फलों में से एक फल है और अल्लाह तबारक जो है